सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2024 जो बच्चे अप्लाई किए हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एज ए कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट में अप्लाई किए हैं या फिर फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किए हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं थ्रू सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, उन सब बच्चों का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा जो आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे का अभी भी डाउट है कि सर मैं कंपार्टमेंट दे रहा हूं तो मेरा पासिंग ईयर क्या होगा और मैं जब नीट का फॉर्म भरूंगा या फिर जेई का अप्रैल वाला फॉर्म भरूंगा या फिर सीयूटी यूजी के लिए फॉर्म भरूंगा तो मैं अपीयरिंग या पास मुझे अप्लाई करना है। और इंप्रूवमेंट वाले बच्चे को डाउट ये है कि सर मेरा 2 मार्क्सशीट हो जाएगा तो क्या ये वैलिड है या फिर अगर हम 5 सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं किसी 1 या 2 में एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, या इंप्रूवमेंट में मैंने 5 सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो क्या वो जो मार्क्सशीट आएगा उसका यूज करना है या पहले वाला मार्क्सशीट यूज करना है। और उनका भी ये डाउट है कि मेरा पासिंग ईयर क्या होगा इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का। ओके, और जो बच्चे फेल्यूर में अप्लाई किए हैं उनका तो सबको पता है कि उनको पास करना है और पासिंग ईयर भी उनका जिस साल देंगे वही रहेगा। तो फटाफट चलते हैं इस वीडियो में और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं विथ एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट के साथ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा डाउट क्लियर हो गया है या फिर नहीं, तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। ये सब्सक्राइब प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिलता रहेगा ताकि आपका एग्जामिनेशन हॉल तक आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस बार स्कूल नहीं है आप लोग के साथ। तो प्राइवेट स्टूडेंट जो भी है वो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, तो चलते हैं। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो उनका पासिंग ईयर क्या होगा, तो पासिंग ईयर उन सब बच्चों का जिस साल वो एग्जाम देंगे, यानी अगर वो 2024 में अगर वो एग्जाम दे रहे हैं और ये पास कर जाते हैं तो इनका पासिंग ईयर 2024 रहेगा और उनको एक मार्कशीट, उनका कंप्लीट मार्कशीट बन के आएगा, कंप्लीट मार्कशीट, क्लियर। उसको आपको यूज करना है, प्रीवियस जो कंपार्टमेंट का मार्कशीट है वो आपको यूज नहीं करना है, नया मार्कशीट आपको बन के आएगा। और वैसे बच्चे जो सीयूटी यूजी के लिए भी जाएंगे या फिर जेई के लिए अप्रैल वाले के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नीट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका पासिंग ईयर भी पासिंग ईयर 2024 ही रहेगा। बट इस समय जब आप इसका जब फॉर्म रिलीज होगा नीट का या फिर सीयूटी का या फिर जेई का तो उन सब बच्चों को एज ए अपीयरिंग अप्लाई करना है, क्योंकि उस समय तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं रहेगा तो आपको एज ए अपीयरिंग अप्लाई करना है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बात आती है इंप्रूवमेंट के लिए। बहुत सारे बच्चों को इंप्रूवमेंट में काफी डाउट है, सर ये है वो है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये देख लो वीडियो समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है, अगर वो मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स में या 4 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं या फिर 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किए हैं या फिर 1 सब्जेक्ट्स में, तो अगर 5 में अप्लाई किए हैं किसी 1 या 2 में एब्सेंट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो पहले वाला मार्क्स है यानी 2023 का जो आपका मार्क्स है उस सब्जेक्ट का वही मार्क्स आपको रहेगा, आप उसका यूज करके कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। और आप जब इंप्रूवमेंट का अप्लाई किए हैं ऑल 5 सब्जेक्ट्स में तो उस ऑल 5 सब्जेक्ट का मार्क्सशीट बन के आएगा। ओके, अगर आप एग्जाम देते हैं तो, बट वो मार्क्सशीट आप जब आएगा तो वहां पे ये आपको 5 times x लिखा रहेगा और आपको इंप्रूवमेंट का मार्क्सशीट रहेगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो वो आप लोग रखिएगा फॉर ओनली परसेंटेज दिखाने के लिए। अगर इसमें पहले वाले मार्क्सशीट से, ये फर्स्ट मार्क्सशीट है या सेकेंड मार्क्सशीट है, इससे अगर अधिक नंबर आ जाता है तो ये मार्क्सशीट को नंबर उठा लेना है और दोनों को ऐड करके बेस्ट ऑफ 2 को ऐड करके आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। बट ये जो पहला मार्क्सशीट है जिसमें ये मार्क्सशीट कम सर्टिफिकेट भी है, क्लियर, इसमें आपको पास लिखा रहेगा, है ना, यहाँ पे पास लिखा नहीं रहेगा, पास की जगह पे XXX रहेगा, क्लियर। तो इसको आपको लेके जाना ही जाना है, साथ में इसको भी लेके जाना है और परसेंटेज दिखाने के लिए आप दोनों को स्कैन करके काउंसलिंग में जेई में आप लेके जा सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, कहीं भी शो करना होगा साथ में शो करना होगा। सिंगल अगर 5 सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो भी आपको इसको लेके जाना है, बी केयरफुल। अगर आपके पास 2 मार्क्सशीट वैलिड है तो यस 100% वैलिड है, इसमें कहीं से कोई 2 राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये काफी दिनों से ऐसा होता है कि आप लोग इंप्रूवमेंट अप्लाई करते हैं क्योंकि सीबीएसई आपको इंप्रूवमेंट का चांस देती है, तो आप लोग इंप्रूवमेंट का मार्क्सशीट कहीं भी दिखा,
तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और जो फेलियर वाले बच्चे हैं उनको सारे सब्जेक्ट में पास करना है, तो आप ध्यान रखिए। एक मेजर पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे 2023 में 6 सब्जेक्ट लिए थे और 6 सब्जेक्ट में से उनका 5 मेन सब्जेक्ट में से किसी एक में आरटी आ गया, ओके, और वो एडिशनल वाला यूज करके वो पास करा दिए गए थे 12th वाले बच्चे, ओके, क्लियर, पास करा दिए गए थे। तो जो मेन सब्जेक्ट है, मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको आरटी आया हुआ है, वो आरटी जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको आरटी आया हुआ है, तो वो इंप्रूवमेंट में अप्लाई किए थे, क्लियर, इंप्रूवमेंट वाले में अप्लाई किए थे, तो उन सब बच्चों को बिल्कुल पास करना जरूरी है, क्योंकि वो आपका मेन सब्जेक्ट्स है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर सीयूटी में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर मेडिकल देना चाहते हैं, तो आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ मेन सब्जेक्ट जो इंप्रूवमेंट अप्लाई किए हैं वो मस्ट शुड बी क्लियर करना चाहिए आपको। तो ये आपको क्लियर करना मस्ट है, ये मत सोचना कि ये इंप्रूवमेंट है, अरे यार मैं एब्सेंट हो जाता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल। जिन बच्चों को सब्जेक्ट्स में आरटी आया है मेन सब्जेक्ट्स में, वो प्लीज जो इंप्रूवमेंट में अप्लाई किए हैं मस्ट आपको एग्जाम देना है, ओके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, फिर किसी और बोर्ड से आपको करना पड़ेगा, ओके, लाइक NIOS बोर्ड से फिर से आपको करना पड़ेगा एडिशनल सब्जेक्ट्स एज ए एडिशनल सब्जेक्ट। तो आप लोग CBSE का ये अपॉर्चुनिटी है, CBSE के थ्रू ही ये निकाल लो आप लोग, तो ये ध्यान रखना ये आपको करना है। और एडमिट कार्ड आपका फाइनली 1st week of February में आ जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका एडमिट कार्ड आराम से आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा, ऑनलाइन CBSE के पोर्टल पे आएगा, मैं अपडेट कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, ऑनलाइन डाउनलोड करना है 5, 6, 7 इस बीच में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और जो बच्चे क्लास 12th के हैं, फिजिक्स का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, लास्ट 1 month का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो प्लीज आप लोग क्रैश कोर्स अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको एक बूस्टअप की तरह आप लोग को हेल्प मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा विथ वेरी नॉमिनल फी, ओके। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, और लाइक कर देना और शेयर कर दो उन सब बच्चों को जो प्राइवेट कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने जा रहे हैं, मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय।